नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ ब्लॉक मुजहानागंज की ग्राम सभा बढ़लगंज का एक मामला सामने आया है। गालीबास मनबड़ दबंग बाहुबली प्रधान व वर्तमान प्रधानपति महबूब आलम पर जहानागंज थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। सूत्रों द्वारा मालूम पड़ा है कि बढ़लगंज बाजार के निवासी राम जन्म राय जो लगभग 75 वर्ष के पोस्ट ऑफिसर से रिटायर्ड हैं, उनको बीच बाजार में माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी, जो सुनना भी पाप लगता है। ऐसे प्रधान को क्या कहा जा सकता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दबंग प्रधान महबूब आलम का इतिहास रहा है। गांव से लेकर ब्लॉक व जिले तक की इनकी तूती बोलती है। मनमाने तरीके से किसी भी अधिकारी से जो चाहते हैं करवा लेते हैं। ये जीता जागता उदाहरण है कि इनके खिलाफ कई बार शिकायत की गई, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार की सारी योजना को ताक पर रखकर बिना कार्य किए ही सरकार का धन का बंदरबांट करवा लेते हैं। सारी कार्रवाई पेपर में ही सिमट जाती है। बढ़लगंज ग्राम सभा में गालीबाज प्रधान के आगे जल्दी कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं रख पाता है। वही ग्रामीणों ने वह भी बताया कि बढ़लगंज में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, विकास तो गालीबाज प्रधान का हुआ है। लगभग 1 करोड़ की लागत से मकान बन रहा है और भी सरकारी स्कूल की चारदीवारी को तोड़कर अपना रास्ता बना लिए हैं, जहां भी एसई आजमगढ़ भी कुछ नहीं कर सके। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नाली रास्ते सफाई डस्टबिन सीमेंट ब्रेंच कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। सफाई कर्मी भी गालीबाज प्रधान के घर हाजिरी लगाकर चला जाता है। इंडिया मार्क का हैंडपंप में डंडा ही नहीं है और सरकारी धन का लगभग 3 लाख रिबोर के नाम पर उतार लिया गया है। यहाँ तक कि सड़क पर खुलेआम शौच करने को मजबूर हैं। गरीब लोग केंद्र और राज्य सरकार की कोई भी योजना का धन नकारने में जरा सी कसर नहीं छोड़ते हैं। गालीबाज प्रधान महबूब आलम के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। क्यों नहीं आएंगे, लेकिन जरूरी है की उपवास में ही संपन्न कुमार चीज की, ये जरूरी है, ये जरूरी है की उपवास में सम्मिलित हूँ। आप बताइए, आप जिम्मेदार व्यक्ति हर जगह आप आपको लोग आगे कर दे रहे हैं, आप समझ, आपको लोग आगे करके लोग पीछे हो जा रहे हैं। उनको लगता है कि ये फेस करेंगे, क्यों उनको आगे करते हैं। हम जानते हैं कि किस ईंट तक आप हैं, हर हाल में हम जानते हैं कि आप हैं। अब आपको आगे करके कर देते नहीं, हम यहाँ तक अरे मेरे भाई तुरंत लेखपाल आया, उन्हें बड़ा तुरंत लेखपाल आया, 15 का पीछे रह गई जमीन। मैं जानता था इस बात को, मैं जानता था, लेकिन आप 4-6 लोगों को लेके कंट्रोवर्सी बनाने अच्छा लगता है। कोई मतलब वहाँ पे काम चल रहा था, कहाँ चल रहा था आज आप उसे ही मैं बताऊँ। काम चल रहा था प्राइमरी स्कूल के पीपल के पेड़ से बंजे की दोनों साइड से निकलना शुरू हो रहा था। अब वो पीपल के पेड़ के से मेन गेट तक आए होंगे, तब तक फोन आया कि जो है नपड़े के बाद काम होगा। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं आपका पहुँचा भी नहीं, आप उस काम को क्यों रोक रहे, नहीं नपड़े के बाद होगा। मैं पहुँचा तो जो मैंने कहा ना कि इनको आगे करके लोग बैकिंग किए, लोग बैकिंग किए हैं। इत्तेफाक था कि मैं प्रधान को गाड़ी में लेके पहुँचा, मैं किसी काम से आ रहा पहुँच गया, इनको लेके बैकिंग किए थे। मैंने कहा कि अभी मैं वहाँ तक पहुँचा भी नहीं, अगर पहुँचूंगा तो मैं नपाऊँ।